पीने का सामान है वहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। मम्मी अलाउड जैसे सूटों की दुकानों में मम्मी अलाउड नहीं होती है ना। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मज़े में हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहे हैं। उठ गई थी, उठ के मैंने सबसे पहले ये देखिए भिंडी भी बना दी है। अभी अभी जस्ट मैं बना के फ्री हुई हूँ। भिंडी, बीन्स, इस टाइप की सब्जियों में टाइम लगता था कट करने में। भिंडी बना दी और इधर मैंने आटा लगा दिया है। हर्षित को भेजा है मैंने दूध लेने के लिए ताकि हमारा टाइम बच सके। बस अभी अभी जस्ट मैं ये सब करके फ्री हुई हूँ। और अब हर्षित कहाँ रह गया? अरे वाह, हर्षित का नाम लिया और हर्षित हाजिर। मौसम कैसा है? बारिश हो रही है। हो रही है? कहीं नहीं हो रही है, हल्की हो रही है, सही बोल रहा है। चलो फिर नहा लो आप, पानी गर्म हो गया। ठीक है, तो हर्षित को भेजा था मैंने दूध लेने के लिए और दूध भी आ चुका है। आज है 1 मई, तो 1 मई में मई का नाम मई और जून का नाम होता है गर्मी का, लेकिन आज भी ऐसा ही मौसम है। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ हर्षित। तो दूध भी लेके आ चुका है और इसको बॉईल कर देती फिर हर्षित को मतलब विदा कर देती हूँ स्कूल के लिए। उसके बाद मैं तैयार होंगी, मुझे भी आज स्कूल जाना है, प्ले स्कूल। अप्रैल के महीने में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि बच्चे भी कम थे और एडमिशन्स हो रही थी, तो अभी मई से फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा मुझे आदेश आया है कि आप स्कूल फिर से ज्वाइन कर दीजिए। तो फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, आराम से मिलेंगे फिर आपसे अभी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। हर्षु पानी गर्म है, नहा लो फटाफट से। बैठे नहीं रहना बेटा, ऐसे लेट हो जाएंगे। ओके, आज आपका साइकिल टेस्ट है। चलिए उठिए। ये देखो कितना छोटा सा फ्रूट बॉक्स है हर्षित का। वैसे तो फ्रूट बॉक्स का बड़े वाला है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये फ्रूट्स का भी लेके जाता नहीं, आज कह रहा। अशु कबर्ड बंद कर दो पहले। आज कह रहा और वो भी फ्रूट्स नहीं, कुछ नमकीन ये लेके जानी है इसको, पंजाबी तड़का खाएगा। पता नहीं इनके टीचर कैसे अलाउ कर देते हैं। मैं तो पता ही अलाउ देख, वो थोड़ी ना देखेंगे हम फ्रूट्स में क्या कर रहा है, आप किसी को देख थोड़ी ना, वो हम तो मस्त खाते रहेंगे। ये सही है, मस्त खाते रहेंगे। तो मस्त नहा धो के ब्रेकफास्ट करके मैं तैयार हो चुकी हूँ और इधर मैंने आज खाना भी बना दिया है। आलू चम्स की सब्जी भी मैंने बना दी है। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, थोड़ा सा मिल्क ले लिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लिए। खाने का कुछ मन ही नहीं था सुबह सुबह। एक्चुअली रोज़ की आदत पड़ गई है ना मुझे कि आराम से खाती पीती हूँ मैं। हर्षित के स्कूल जाने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करती हूँ। 10-1 बजे ब्रेकफास्ट करती थी मैं, लेकिन आज से मैं जा रही हूँ वापस स्कूल। देखते हैं अब स्कूल में क्या रहता है, बच्चे क्या कहती हैं दिशा जी। तो फिलहाल चलते हैं आज, देखते हैं क्या माहौल है स्कूल का। तो मौसम ख़राब सा है लेकिन बारिश हल्की हल्की आ रही है। हर्षित को भी मैंने आज अम्ब्रेला दिया है, बट मैं जाऊंगी आज पैदल। एक महीने से थोड़ा सा मोटापा आ गया मुझे, उसको कम करना है मुझे। तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ फिर चलते हैं। तो चलो जी चलते हैं, फिर से आ जाते हैं पूरे 1.5 महीने के बाद अपनी रूटीन में। 9:45 के आसपास का टाइम हो रहा है, समय से पहले पहुँचना अति आवश्यक है। मौसम अगर मैं आपको बताऊँ तो मौसम इस वक्त ऐसा है जैसा बरसात में होता है। तो चलो फिर आपको भी ले चलते हैं अपने उसी रास्ते से, बाय रोड ऑन फुट, थोड़ा सा पतला होने के लिए। जो हमने 1.5 महीने से फैट डिपॉजिट किया है ना, उसको अब हटाना है, यानी मेल्ट करना है। उफ, सांस चढ़ गई मेरी तो। अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? बस चलिए, वो आ गया। वो क्या 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 मंगवा क्या मंगवाया था मैंने कल आपसे? नहीं, मैंने कुछ बोला था, मैं भूल गई। एम सील नहीं आया। चलो कोई नहीं, मेरा फिल्टर लीक कर रहा है थोड़ा सा नीचे से ना, बॉटम से, तो उसको फिलहाल एम सील से टेम्परेरी करती हूँ, उसके बाद नया ही लेना पड़ेगा। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। पीछे देखिए ट्रैफिक, और इस तरफ दो नई शॉप्स खुले हुए हैं। चलते चलते सांस फूल रहा है। ओ भाई कितने पास से गया, और मेरा दुपट्टा साथ ही ले जाता। भाई भाई ऐसी गलत बातें, मैं आपको स्कूल पहुंच के ही मिलूंगी। पता चला ब्लॉग बनाते बनाते मेरा कुचली कहीं निकल गया मुझे।
ये देखो कितना कितना लंबा ट्रक है, मालगाड़ी। ऐसे ट्रकों से तो भाई बड़ा डर लगता है। ओ भाई नमस्ते भैया, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है जी, आप सुनाओ। बढ़िया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। वाह, यहाँ तो खाली खाली लग रहा है यार। अच्छा, इस साइड को रखा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये वाला नहीं निकाला? ये वाला निकाला। एक कैसे निकाला? आप बोला, आप कैसे? ठीक हूँ, आप सुनाओ। बहुत टाइम के बाद मिले आप। डेढ़ महीने के बाद। हाँ ठीक है, चलो अब सही लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, खाली खाली। बच्चे नहीं आए अभी? अभी नहीं आए, 10 o'clock पे आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब मैं जल्दी पहुँच गई, 15 मिनट पहले पहुँच गई मैं। वेरी गुड। सी फॉर? सी फॉर क्या होता है? सी फॉर बताना। राम से। वेरी गुड। सी फॉर कैट। राइट राइट, सी फॉर कैट लिखो। ओके, पढ़ के बताओ एक बार जरा। And 9 9 10. Very good. अभी सोनी इज अ वेरी गुड बॉय। तो हम अभी सोनी को क्या देंगे? स्टार। स्टार देंगे। वेरी गुड, क्लैप करो। क्लैप अभी, क्लैप। वेरी गुड। तो जी 1:15 का टाइम हो रहा है, बच्चों का फ्रूट टाइम भी हो गया और राइटिंग भी करवा दी है। हमारा है रेस्ट टाइम, बच्चों का है प्ले टाइम, लंच भी हो गया है और हमारा जो है प्ले स्कूल का ये हॉल बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा है। बहुत तेज़ तेज़ शाउट करते हैं बच्चे। एक दो बच्चे तो घर भी जा चुके हैं और बाकी के ये बच्चे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो काफ़ी दिनों के बाद आ जाई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या फिर बाय? ठीक है ना? बाय। हाँ ठीक है, चलो जी ठीक है, चलते हैं घर। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये क्या था? नहीं पत्थर था, ऐसे डाला। ये देखो जरा, पूरी भीग गई मैं। क्या भैया, अब देखना मेरा ब्लॉग। आप पानी से भीग गई मैं, गंदा पानी। हे भगवान, गड्ढे में पड़ गया मेरा पैर। सही बात है। तो चलो जी अब चलते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश अभी कम है, अभी भागते हैं फटाफट घर। मिलेंगे आपको घर पे पहुँच के। बहुत तेज़ भूख भी लगी है। हो मेरा तो पूरा प्लाजो ही भीग गया। तो 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। जैसे ही मैं घर पे आई, सबसे पहले तो मैंने राइस बनाए और आलू और न्यूट्री की मैंने सब्ज़ी बना रखी थी। देखिए इसको गर्म करने के लिए लगाया, उससे पहले नमकीन खाई, एक बनाना खा। इतनी भयंकर भूख लगी थी सुबह, सिर्फ मैं दूध पीकर गई थी। तो खाना खाते खाते मुझे 2:45 तो हो ही जाएंगे, उतने में हर्षित भी आ जाएगा। फिर मुझे शॉप तक जाना है, मेरे फिल्टर के लिए मुझे वो लेकर आनी, एमसील लेकर आनी, और मेरे को इलास्टिक लेके आना। मेरा एक प्लाजो जो है अधूरा, उसमें मुझे इलास्टिक भी लगाना है। अब मैं बिज़ी हो चुकी हूँ, आज से स्कूल भी ज्वाइन कर दिया मैंने। मुझे कमेंट भी आया था, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप स्कूल कब से जाओगे। तो उन दीदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 1st से ही ज्वाइन, मतलब आज से ही 1 मई से ही ज्वाइन कर दिया है स्कूल। अब हम आपको कंटिन्यू ब्लॉग में स्कूल के भी थोड़े बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया स्कूल में, ज़्यादा बच्चे तो नहीं हैं, 7-8 बच्चे ही हैं, छोटे छोटे। एक्चुअली यहाँ जो पास में DAV स्कूल है, बड़ा स्कूल, इन्होंने भी नर्सरी क्लासेज जो स्टार्ट कर दी हैं, तो इस वजह से हमारे पास थोड़े से बच्चे कम हैं अभी, लेकिन बच्चे बढ़ते ही जाएंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल करते हैं हम लंच, आपको मिलते हैं हम हर्षित के आने के बाद। हो गया, मैं सो गई थी पता, मिला लड्डू गोपाल। गिरिराज प्ले स्कूल। यस अभी तो मैं तो चली शॉप तक। शॉप से मुझे ये देखिए, ये वाला मेरा प्लाजो ना कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें मुझे इलास्टिक लगाना है। एक इलास्टिक की वजह से ही ये पैनिंग पड़ा और मैं इस सूट को पहन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आजकल के मौसम के लिए सूट बिल्कुल परफेक्ट है। लाइनिंग लगा के काफ़ी मोटा सा हो गया। ले आती हूँ एक बार जाके शॉप तक, और लेकर आना है मुझे उसके लिए फ़िल्टर के लिए। वो भी पहले भी मैंने उठा दिया था शायद, सबसे पहले मोटर बंद कर दी थी, पानी हमारा ओवरफ्लो हो रहा था, मैंने मोटर चला दी ताकि पानी परिलिफ्ट हो जाए। क्या रेट है ये वाला? 20 रुपये। 20 रुपये। और ये वाला? 15 रुपये। घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? खाली सारी नमकीन। ओ भाई, मैं जब से गई हूँ ये पैकेट पकड़ के बैठा है। कुछ नहीं लाई, मैं तो सामान लेने गई थी।
ये अपनी खाने की चीज़ें ढूंढेगा। चॉकलेट्स मेरी हैं, एमसिल भी मेरी है, इलास्टिक भी मेरी है। ये एमसिल लाई हूँ, ये इलास्टिक लाई हूँ। सबसे पहले हर्षित की हेल्प से, हर्षित सबसे पहले ये ठीक कर देते हैं बेटा, है ना। तो ये देखो फाइनली मैंने तीनों में लगा दिए हैं, इस वाले में तो थोड़ी सी कम लगी है। देखो इसे कहते हैं देसी जुगाड़। रात के 10 बजे से ट्राई शुरू करूंगा और 1 बजे या 2 बजे जितने भी बजे और सोता रहूंगा और सुबह 7:30 बजे उठ जाऊंगा। वेरी गुड। फिर दोपहर को मेरा मन ताली बजाने को कर रहा था लेकिन एक हाथ मैंने फोन पकड़ा। चलो साइड हाथों बातें करता रहता है तो ये काम भी हो गया। आप करती हूँ मैं सिलाई और नीचे पानी पानी गिर गया। ओके ओके ओके। ये भाई अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने कैसा मौसम था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा है। अभी देखा ना आपने जब मैं शॉप गई थी किस कदर मौसम था और इस वक्त इतनी भयंकर बारिश हो रही है। कहाँ से इतना पानी है आसमान के अंदर, भगवान के अंदर। ये देखो इस बार लगता है गर्मी नहीं आएगी। ये फाइनल हो चुका है तो मैं लगी हूँ सिलाई में, अपनी स्टिचिंग के काम है। कपड़े मैंने बिछा रखे हैं यहाँ और वहाँ और कुछ एक कपड़े मैंने वॉश भी किए हैं। अब बाहर सुखाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि बाहर हो रही है झमाझम बारिश। और इधर बेटू जी कर रहे हैं होमवर्क। चॉकलेट खा ली सारी? मैंने नहीं रखी। अब कहा तो रहा था कि खा ली, आपने बोला नहीं मैंने खा ली। चलो जी कोई बात नहीं, खा लो आप। 6:30 का हो रहा है, अभी अभी हम बैठे थे चाय वाय पी। एक दुकान से तो आ चुकी हूँ, अब जाती हूँ दूसरी दुकान, सब्जी वब्जी लेके आते हैं कुछ। आगे आगे बच्चों को नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हाँ जहाँ बच्चों के खाने पीने का सामान है वहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। जैसे सूटों की दुकानों में मम्मी अलाउड नहीं होती है ना। अगर मैं अपने घर की हालत आपको बताऊँ तो स्लैब पे चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, गाय की रोटी भी नहीं दी है। और ये देखिए इस सीज़न की पहली चेरी भी आ चुकी है जो कि मेरी फ्रेंड लेकर आई है संदीपा कोटगढ़ से। और ये देखो गन्ने भी लेकर आए हैं। तो घर की चीज़ें इस तरह से हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मैंने मस्त भजन लगा दिए हैं, अब करेंगे हम पूजा पाठ। इधर भी लाइट ऑन कर देती हूँ। 7:15 हो गए, 7 बजे का वादा करके गया था मेरा बेटा लेकिन अभी तक नहीं आया है। हाँ हाँ खा लो जो खाना है। तो धूप बत्ती हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया। हर्षित आज बहुत लेट आया है, आज तो उसको डांट पड़ी है। तो अंदर ले चलते हैं आपको किचन की तरफ। तो ये देखो मैंने फिल्टर में अभी पानी तो भर दिया है। एमसील जो है हल्की सी मतलब जम गई थी, मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ सुबह तक का, तो मैंने इसमें पानी भर दिया। अब मैं इसको वॉच करूँगी, अगर इसमें वापस लीकेज होगी तो फिर तो मुझे नया लेना पड़ेगा, नहीं तो काम चलाओ फिर हल के लिए है। क्योंकि बस बाहर से ही लगाई, अगर अंदर से होती ना कुछ इसमें डिफेक्ट तब तो चलो बात भी, बाहर से लीक कर रहा है। और डिनर की तैयारी में कुछ ऐसा है, यहाँ सब्जी है, इधर राइस है, यहाँ पे भिंडी वाली वाली नहीं भिंडी की सब्जी भी है। और डिनर में पास सब कुछ पड़ा है, एक्स्ट्रा मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है तो आजकल चल जाता है। उधर चाय बना रखी है हर्षित ने। हाँ जी क्यों करो टीवी ऑन, दिन में भी टीवी देखना उसके बाद खेलने चला गया और अब फिर से टीवी देखना। पढ़ाई कर ले बेटा, बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आएगा, मैं बता दिया। समझ आया कि नहीं आया? हाँ हूँ नहीं। हाँ जी। और मुझे वैसे मेरा सूट्स भी निकालने का मन था, आजकल का वेदर कुछ ऐसा है कि पतले पतले सूटों में काम नहीं चलता और इस टाइप की स्वेटर पहनने का मन नहीं करता। मतलब पतली स्वेटर है नहीं, सारी मोटी मोटी सी है। तो मैं सोच रही थी थोड़े ऐसे स्टफ वाले कॉटन के कपड़े जिसमें लाइनिंग लगी हो वो निकालूंगी। और जो मैंने प्लाजो का आज दिन में इलास्टिक लाई थी वो प्लाजो मैंने कंप्लीट कर दिया, हो सकता है मैं वही सूट पहनूं क्योंकि निकाल के रखूंगी सुबह फिर हॉच पॉच सा हो जाता है। मैं नहीं चाहती सुबह कुछ भी हो, सुबह आराम से पूजा पाठ क्योंकि मैं पाठ भी करती हूँ ना सुबह उठ के नहाने धोने के बाद। तो चलिए बस आज ऐसा ही था, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज प्ले स्कूल गई, बच्चों से मिली, काफ़ी अच्छा लगा। आज की इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए ब्लेसिंग्स कंप्लीट बेबीज़ लव फन एंड मस्ती, गुड बाय एंड टेक केयर।